सारा इंडिया में अपनी गाड़ी कमाई फंसे हजारों लोगों के लिए राहत की खबर है। लंबे इंतजार के बाद अब सहारा इंडिया जमा राशि वापस मिलने की उम्मीद जग गई है। राज्य सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए भुगतान के लिए कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। सहारा इंडिया की शाखाओं में हजारों लोगों ने अपनी जमा राशि लगाई थी, लेकिन यह पैसा कई सालों से फंसा हुआ था। खाताधारकों ने अपने पैसे वापस पाने के लिए डीएम और अन्य अधिकारियों से शिकायतें भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस स्थिति में कारण कई लोगों की बेटियों की शादी में बाधा भी आई, क्योंकि उन्होंने अपनी बचत सहारा इंडिया में जमा कर रखी थी। सहारा समूह की बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके लाखों निवेशकों को अपने रिफंड का इंतजार है। इस मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सहारा ग्रुप में जमा पैसा निकालने के लिए यदि आप परेशान हैं, तो आगे की खबर आपके काम की है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने सहारा ग्रुप सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए वापस की जाने वाली राशि की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। सहकारिता मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने ये कहा है कि इससे अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के करीब 4.5 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के क्लेम की सावधानी से जांच भी कर रही है। इसकी जानकारी कुछ दिन पहले सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दी गई। जाने आप कैसे अपने पैसे का दावा कर सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या होने चाहिए, ये हम आपको बता देते हैं। सहारा में निवेश के सदस्यता संख्या ग्राहक को देनी होगी, जमा खाता संख्या ग्राहक को देनी होगी, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ग्राहक के पास होने चाहिए, जमाकर्ता की जो पासबुक है उसके पास होनी चाहिए। यदि राशि 50,000 से ज्यादा है तो पैन कार्ड भी होना आवश्यक है। सहारा इंडिया समूह ने अब दावा राशि भुगतान के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी जमा राशि का दावा कर सकते हैं। फिलहाल सहारा इंडिया 5 लाख रुपए तक की बकाया राशि का भुगतान करेगी। जिला प्रशासन निवेशकों को इस पोर्टल के बारे में जागरूक भी कर रहा है, ताकि वे आसानी से अपने पैसे वापस प्राप्त कर सके। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आपको अपना दावा दर्ज करना होगा। अपना दावा दर्ज कराने के लिए आपको इसके पोर्टल पर जाना होगा। कैसे करें आवेदन और रजिस्ट्रेशन, जाने हमारे यहाँ। सहारा का रिफंड पाने के लिए सबसे पहले CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, वहाँ जाए और उस पर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के अंतिम 4 नंबर और आधार से लिंक्ड अपना मोबाइल नंबर भी भर दे। इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे भरना जरूरी है। इसके बाद फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे भरकर स्कैन करना होगा और पोर्टल पर अपलोड कर दे। दी गई जानकारी की जांच के बाद रिफंड राशि भेज दी जाएगी। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की कंपनियां SIRECL और SHICL निवेशकों की जमा की गई राशि को 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करेगी। बता दें कि सहारा समूह ने अपनी छोटी बचत योजनाओं के जरिए जमाकर्ताओं से करोड़ों रुपए जुटाया था, लेकिन ग्रुप के आर्थिक हालात बिगड़ने पर जमाकर्ताओं का पैसा पिछले 12 सालों से फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गया था कि जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई, सहारा ग्रुप की 4 बहुराज्यीय सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि की वापसी के दावे प्रस्तुत करने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को पेश किया गया। यह सहकारी समितियां सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज
सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए राहत की सांस है जिन्होंने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था, अब वे अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपने भी सहारा इंडिया में पैसा जमा किया है तो इस पोर्टल के माध्यम से अपना दावा दर्ज करें और राहत की ओर एक और कदम बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी देने से पहले सुनिश्चित करें कि आप आधिकारिक और सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं। यदि आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़े तो हेल्पलाइन या ग्राहक सेवा से संपर्क भी कर सकते हैं। सारा इंडिया से जुड़ी खबर को लेकर आपको जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये खबर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने में कारगर सिद्ध होगी। लेकिन हम आपसे ये भी अपील करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही साइट पर ही अपलोड करें या किसी विश्वास पात्र से अपना फॉर्म फिल करवाएं और उसकी संबंधित डिटेल्स की जब तक आपके अकाउंट में राशि न आ जाए तब तक उसकी जांच भी करते रहे और किसी भी धोखे या फ्रॉड की स्थिति में आप पुलिस में भी सूचना कर सकते हैं।